तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 चैप्टर 7 का। तो क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एंटी डेरिवेटिव, हम लोग को फाइंड करना है। और इसमें एनसीईआरटी बुक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है cos 2x मींस इसका हम लोग को क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो cos 2x का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, उसको एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले हम लोग एक चीज अज्यूम करेंगे cos 2x के लिए, क्या अज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। तो पहले हम लोग इसको निकालेंगे, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x क्या होता है उसको लिखेंगे। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, और जो एंगल है मींस 2x है, तो इसका क्या होगा 2x। बट यहाँ पर x के साथ कुछ वैल्यू आया यानी 2, इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, यानी अगर 2x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, 2x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2। 2x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या इसका वैल्यू आएगा 2, मींस अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लोग को उसका वैल्यू आ रहा है 2, और उस 2 को हम लोग पहले लिखते हैं, यानी जो भी वैल्यू है उससे हम लोग पहले उस 2 को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x का वैल्यू क्या आएगा, 2 cos 2x। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहां से जो 2 है उसको इस साइड ले आएंगे, यानी अगर हम लोग लिखेंगे cos 2x इक्वल टू, cos 2x बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, d/dx sin 2x, ये वाला d/dx sin 2x, और जो उस साइड 2 था उसको हम लोग इस साइड लाएंगे, उस साइड था मल्टीप्लाई में, तो इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ओके, यानी 1/2 d/dx sin 2x। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है उसको sin 2x के अंदर ले जाएंगे, यानी sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos 2x का क्या वैल्यू आएगा, cos 2x इक्वल टू d/dx 1/2 sin 2x, यानी cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x, ओके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव, मींस जिसका हम लोग को एंटी डेरिवेटिव निकालना है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के साइन में लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन के साइन में, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव, मींस इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है एंटी डेरिवेटिव, यानी cos 2x का एंटी डेरिवेटिव है 1/2 sin 2x। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी, शॉर्ट फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते थे, बट यहां पर एंटी डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा था इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। अब इस क्वेश्चन का भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है, बट इस क्वेश्चन में हम लोग पिछले जैसे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, मींस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x³, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसके विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ओके। यानी हम लोग को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x³, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़कर लिख सकते हैं, डिवाइड करके, मींस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, यानी इस दोनों को हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड करके लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² एंड इंटीग्रेशन ऑफ 4x³। अब पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 को as it is लिख देंगे और उसके बाद x का पावर जो भी है उसको एक प्लस कर देंगे, मींस x का पावर 2 है प्लस 1, और जो भी x का पावर है उसको हम लोग डिवाइड में भी लिखेंगे, मींस 2 + 1। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग उसको भी करेंगे, क्या है वो 4x³, तो 4 को हम लोग पहले लिख देंगे क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट है। अब उसके बाद x का पावर जो भी है उसको एक इंक्रीज कर देंगे, मींस x का पावर 3 है तो उसमें एक इंक्रीज कर देंगे, और जो भी पावर है उसको हम लोग डिवाइड में भी लिखेंगे, मींस 3 + 1, ओके। पर इसके साथ एक चीज और ऐड होगा, वो क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में हमेशा एक चीज ऐड होता है, कांस्टेंट। अब सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे 3
एक्स टू डी पावर टू प्लस वन यानी थ्री एक्स का पावर थ्री और डिवाइड में टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री प्लस का साइन उसको सॉल्व करते हैं फोर एक्स टू डी पावर थ्री प्लस वन यानी फोर एक्स का पावर फोर डिवाइड में थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर एंड प्लस में सी ओके देन अब हम लोग क्या करेंगे नीचे और ऊपर को क्रॉस मीन्स काट देंगे और ये भी कट जाएगा इसके बाद क्या बचेगा ऊपर बचेगा एक्स का पावर थ्री और नीचे कुछ नहीं है तो आगे क्या बचेगा एक्स टू डी पावर फोर और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे और प्लस में सी तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ थ्री का पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब प्लस एक्स का पावर फोर प्लस सी ओके तो ये हमारा एग्जाम्पल टू का सॉल्यूशन हुआ तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन का क्वेश्चन नंबर थ्री को हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है वन बाई एक्स ओके तो वन बाई एक्स का हम लोग को क्या निकालना है एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो वन बाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालेंगे मीन्स उसका डायरेक्टली क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू हम लोग पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला देख चुके थे वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस में सी ओके तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हो गया वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू देखेंगे तो हमारे एग्जाम्पल नंबर टू का क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स यानी इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है तो पहला का हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू डी पावर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू डी पावर टू मीन्स इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू डी पावर थ्री बाय एक्स टू डी पावर टू फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर वन है तो वन बाय एक्स टू डी पावर टू यहाँ पर डी एक्स का साइन और यहाँ पर भी डी एक्स का साइन मीन्स हम लोग को अब क्या करना है दोनों को पार्ट बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन पहले हम लोग फाइंड करते हैं तो एक्स टू डी पावर थ्री और एक्स टू डी पावर टू हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों कटे हैं क्योंकि एक्स टू डी पावर टू है और यहाँ पर एक्स टू डी पावर थ्री है तो इसका थ्री पावर जो है वो कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स टू डी पावर वन मीन्स एक्स और यहाँ पर डी एक्स ओके अब यहाँ पर क्या करते हैं इसको हम लोग एज इट इज उतार देते हैं तो ये आ गया वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है मींस x का पावर इंक्रीज हो जाएगा यानी x का पावर अभी 1 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा और जितना पावर हम ऊपर लिखे हैं उतना पावर ही नीचे हम लोग ले देंगे ठीक है माइनस 1 बाय x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर का हम लोग क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो इसे हम लोग इसे अगर हम लोग 1 बाय x स्क्वायर है x स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा अगर x स्क्वायर को हम लोग ऊपर लेके लिखेंगे तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 मीन्स ये जो पावर है ऊपर जाते ही पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर dx का साइन अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करने में इजीली होगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे x टू द पावर माइनस 2 इसमें क्या बोले थे इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है जितना पावर ऊपर लिखे उतना ही डिवाइड में यानी यहाँ पर प्लस 1 और जो ऊपर लिखे है वही नीचे लिख देंगे और प्लस में यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा कॉन्स्टेंट c इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा x टू द पावर 2 बाय 2 माइनस यहाँ पर आएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 यानी x टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस में c ओके इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा x टू द पावर 2 बाय 2 ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 बाय x अब 1 बाय x यहाँ पर क्यों लिखे क्योंकि x का पावर माइनस 1 है और वो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में यानी 1 बाय x टू पावर 1 और x टू पावर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑनली x लिख सकते हैं और प्लस में कांस्टेंट c नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।